हाँ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा अभी तक वो मेल फीमेल सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हम अभी तक जो बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और कल भी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था जब लेक्चर हमारा खत्म हो रहा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो है पिस्टिल, दूसरा है माइक्रोस्पोरोजीनम, माइक्रो स्पोरो चीनम, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो सैक। हम लास्ट में क्या पढ़ने वाले हैं? एम्ब्रियो सैक। तो वन बाय वन हम ये सारा स्ट्रक्चर देखेंगे। लास्ट टाइम भी ये देखिए नीचे जो डायग्राम है, मैच्योर फ्लावर, जो मैच्योर फ्लावर होता है उसकी डायग्राम मैंने लास्ट टाइम भी यही डायग्राम शो किया था ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर है, इस फ्लावर के अंदर है स्टेमन और इस फ्लावर के अंदर है पिस्टल। स्टमन का स्ट्रक्चर हमने कंप्लीटली लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं ये वाले पार्ट की, पिस्टल। तो ये पिस्टल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। पिस्टल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं तो हम ये पूरा यहाँ पर अब डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी चीज है जो पिस्टल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना जरूरी है कि गाइनेशियम, गाइनेशियम फूल के वो पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, मादा तौलीदी हिस्सा, क्या कहलाता है वो, मादा तौलीदी हिस्सा, जो जिसको हम क्या कहते हैं, गाइनेशियम। गाइनेशियम में क्या होता है तो गाइनेशियम में एक वाहिद पिस्टल, गाइनेशियम में क्या होती है, एक वाहिद पिस्टल। अगर एक वाहिद पिस्टल है तो उसको कहा जाता है मोनोकैपिलरी, क्या कहा जाता है, मोनोकैपिलरी। और या एक से ज्यादा अगर पिस्टल है तो उसको कहा जाता है मल्टी कार्पेलरी। तो एक कंसेप्ट जिसको बहुत अच्छे से याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक ही पिस्टल है, ठीक है, इस फ्लावर के अंदर समझने के लिए एक ही पिस्टल बताया, लेकिन अगर पिस्टल एक से ज्यादा हो जाए तो, अगर सिंगल पिस्टल है तो मोनोकार्पेलरी, और एक से ज्यादा अगर पिस्टल वहां पर दिखाई दे तो वो हो जाएगा मल्टी कार्पेलरी। फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, जब मल्टी कार्पेलरी कंडीशन या एक से ज्यादा पिस्टल्स अगर होते हैं तो वो पिस्टल्स बाहम जुड़े हुए थे, यानी एक साथ वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अगर वो एक साथ जुड़े हुए हैं तो उनको कहा जाता है साइन कार्पस, क्या कहा जाता है उनको, साइन कार्पस। या फिर अगर वो एक दूसरे से अलग अलग है, आजाद है, तो उसको कहा जाता है अपो कार्पस। यहां पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर में क्या है कि जितने भी पिस्टल्स है ये सब एक दूसरे के साथ क्या है, बाहम जुड़े हुए, एक दूसरे के साथ ये सब क्या हो गए, जुड़ गए। अगर वो जुड़े हुए हैं तब क्या कहेंगे, साइन कार्पस, और अगर वो एक दूसरे से अलग है या इस कंडीशन में है तो उनको क्या कहा जाएगा, अपो कार्पस। तो यहाँ सिंपल चीज याद रखना है कि जो पिस्टल है, पिस्टल के जो नंबर है या तो एक हो सकता या एक से ज्यादा हो सकता। अगर पिस्टल का नंबर एक है तब उसको कहा जाएगा मोनोकार्पेलरी कंडीशन, अगर एक से ज्यादा पिस्टल है तो उसको कहा जाएगा मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। फिर मल्टी कार्पेलरी कंडीशन में भी दो कंडीशन है, या तो सारी के सारी पिस्टिल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होंगी तो उस कंडीशन में उसको कहा जाएगा साइन कार्पस, और अगर वो एक दूसरे से अलग है, आजाद है, तब उसको कहा जाएगा अपो कार्पस, ठीक है। फिर हर पिस्टल के यहां पर हमको, अब ये इसका इंट्रोडक्शन था पिस्टल, अब पिस्टल की एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसी होती है उसकी बात हो रही है। तो पिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इसको कहा जाता है स्टिग्मा, एक पार्ट जो होता है इसको कहा जाता है स्टिग्मा, दूसरा पार्ट होता है इसको कहा जाता है स्टाइल, और तीसरा पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, ओवरी। यहां पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है उसमें तीन पार्ट है, एक है स्टिग्मा, एक पार्ट है स्टिग्मा, दूसरा पार्ट है स्टाइल, और तीसरा पार्ट है ओवरी। और ये ओवरी का स्ट्रक्चर यहाँ पर उन्होंने डिटेल में बताया कि इस ओवरी के अंदर आगे चल के क्या आ जाते हैं, ओव्यूल्स। तो यहाँ कंसेप्ट क्लियर करना है कि जो पिस्टिल होते हैं, पिस्टिल के अंदर तीन पार्ट होते हैं। यहाँ भी डायग्राम देखिए, यहाँ पर भी बताया हुआ है, पिस्टिल के अंदर तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है स्टिग्मा, दूसरा पार्ट होता है स्टाइल, और तीसरा पार्ट होता है ओवरी। थैलामस ये क्या पार्ट है ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ याद रखना है कि जो पिस्टिल है, पिस्टिल के अंदर तीन पार्ट होते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो स्टमन होता है, स्टमन में कितने पार्ट होते हैं रौनक, आप बताइए स्टमन में कितने पार्ट होते हैं?
सानिया आयशा, दो 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 पार्ट होते, कितने होते? दो। कौन कौन से? अच्छा एंथर एंथर और फिलामेंट, है ना। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी कि स्टामन, स्टामन के अंदर दो पार्ट है, और इसके बाद अगर हम बात करें पिस्टल, तो पिस्टल के अंदर कितने पार्ट है? तीन। इसको याद रखिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो स्टमन है, स्टमन के बाद दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक पार्ट होता है फ्लामंड। और जो पिस्टल होता है, पिस्टल के बाद तीन पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और एक होता है ओवरी। ठीक है ना। अब ये स्टिग्मा क्या करता है, स्टाइल क्या करता है, ओवरी क्या करती है, इसको समझना है। तो ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स के लिए उतरने वाले प्लेटफॉर्म का काम करता है। जिस तरह से हम ये देखते हैं कि एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए वहां होता है हेलीपैड, वहीं पर वो उतरेगा। ट्रेन है, ट्रेन को चलने के लिए ट्रेन की ट्रैक है, वहीं पर वो चलेंगे, रास्ता है। तो उसी तरह से ये फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन है, एंथर से जो पोलन ग्रेन बन के आएगा, उस पोलन ग्रेन को उतरने के लिए, उस पोलन ग्रेन को सेटल डाउन होने के लिए जो जगह मिलेंगी, जो स्पेस मिलेगा, वो स्पेस कौन प्रोवाइड करेगा? वो स्पेस प्रोवाइड करेगा स्टिग्मा। वो स्पेस कौन प्रोवाइड करेगा? स्टिग्मा। इसलिए आप देखिए जहां जहां पर भी स्टिग्मा है ना, वहां पर कुछ इस तरह का स्पेस वाला स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो यहां पर कौन आ जाएगा? ये क्या है? ये स्टिग्मा का स्ट्रक्चर है, और इस स्टिग्मा के ऊपर कौन आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा पोलन ग्रे। यहां पर कौन आ जाएगा? पोलन ग्रे। तो यहाँ बहुत बेसिक चीज याद रखना है, वो क्या है कि स्टिग्मा ये पोलन ग्रेन की उतरने की क्या है, जगह है, या पोलन ग्रेन को उतरने के लिए क्या प्रोवाइड करता है? वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म का काम करता है। स्टाइल, स्टाइल क्या है? तो स्टाइल स्टिग्मा के नीचे लंबूतरा स्तवा हिस्सा है, ये जो नीचे का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा? स्टिग्मा। तो ये क्या करता है, ये स्टिग्मा क्या करता है, इस तरह से उसको प्लेटफॉर्म को नीचे पकड़ के रखता है। ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टिग्मा वो स्पेस है जहां पर पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन वहां के अटैच होगा, स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में इंटरैक्शन होगा। अगर स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में इंटरैक्शन होता है, तो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि वहां पर होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, हम उसको आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि स्टिग्मा का काम क्या है, स्टिग्मा का काम यह है कि वो पोलन ग्रेन को सेटल डाउन होने के लिए, उतरने के लिए क्या करे? प्लेटफॉर्म दे, जगह दे। और स्टाइल का काम क्या है? स्टाइल का काम यह है कि वो उस स्टिग्मा को लेके खड़ा रहे, उस स्टिग्मा को सपोर्ट प्रोवाइड करे। ठीक है। नाउ उसके बाद पिस्टिल, पिस्टिल का जो सबसे निचला हिस्सा है, पिस्टिल का जो सबसे निचला और फूला हुआ हिस्सा है, वो कहलाता है ओवरी। वो क्या कहलाता है? ओवरी। तो यहाँ सिंपल चीज याद रखना है कि प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर स्टिग्मा है, लो पाइप लाइक स्ट्रक्चर या लकड़ी की तरह स्ट्रक्चर या सुतून की तरह स्ट्रक्चर, वो लंबोदरा जो स्ट्रक्चर है वो स्टाइल है, और नीचे जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है, जो बड़ा ब्रॉड स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर है ओवरी। ठीक है। ओवरी के जो स्पेस है, अब ओवरी के स्पेस के अंदर की अगर बात करें, तो ओवरी के अंदर खाली जगह होती है। ओवरी के अंदर क्या होती है? खाली जगह, जिसको कहते हैं बेजी कैवा। क्या कहते हैं उसको? बेजी कैवा, यानी ओवेरियन कैविटी, उसको क्या कहा जाता है? ओवेरियन कैविटी। और उस ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होती है? बहुत सारी लोक्यूल होती है। क्या होती है? बहुत सारी लोक्यूल। अब ये देखिए यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बताया उसमें, तो ये क्या है? ये ओवेरियन कैविटीज है। ये ओवेरियन क्या? कैविटी। ये ओवरी है, और इस ओवरी के अंदर क्या है? कैविटी, और छोटे छोटे अंदर क्या है? लोक्यूल्स। यहाँ पर एक चीज और याद रखिए कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने जिस तरह से इंग्लिश में हम ओवरी बोलते हैं, उसी तरह से उर्दू में भी ओवरी बोला है, और कुछ जगह पे उस ओवरी का उर्दू ट्रांसलेशन किया है, जिसको हम कहते हैं बैजा। क्या कहते हैं उसको? बैजा। तो याद रखना, एग्जाम में या कहीं पर अगर आपको क्वेश्चन आए, तो ओवरी और बैजा ये दोनों भी एक ही चीज है,
ओवरी को उर्दू में क्या बोला जाता है? बैजा। इसलिए लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ अभी उसमें तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को उर्दू में कन्वर्ट करके लिखने के बजाय उन्होंने उसको उर्दू ट्रांसलेट कर दिया। यानी जिस तरह से ओवरी उर्दू में भी लिखा जा सकता है और ओवरी को उर्दू में ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हैं। अगर ओवरी को उर्दू में लिखेंगे तो हम ओवरी लिखेंगे, जैसा हम व्हाट्सएप पे लिखते हैं, लेकिन अगर हमने उसको ट्रांसलेट करके लिखा तो हम क्या लिखेंगे वहां पर? बैजा। तो ये बात याद रखना कि कभी कभार वो टर्मिनोलॉजीज ऐसी ले लेते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आपने याद रखना कि या तो वो ओवरी लिखेगा या तो वो क्या लिखेगा? बैजा लिखेगा। नाउ बच्चों आगे और बढ़ते हैं कि जो ओवेरियन कैविटी है, ये जो ओवेरियन कैविटी है, ये जो कैविटीज है, ओवेरियन कैविटी के अंदर होती है प्लासेंटा। ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होता है? प्लासेंटा। प्लासेंटा आप लोगों को मालूम होगा, है ना? प्लासेंटा क्या होती है? ये बेसिकली जो जैसा हम इन केस ऑफ ह्यूमन, इंसानों के अंदर अगर बात करें तो प्लासेंटा क्या होती है? बच्चे के और माँ के बीच में जो कनेक्शन होता है वो प्लासेंटा के थ्रू होता है। वो जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एकदम पाइप की तरह जो स्ट्रक्चर होता है, वो जो स्ट्रक्चर होता है प्लासेंटा। इसी तरह से ये जो ओवरी होती है उसके अंदर जितनी भी ओवेरियन कैविटी होती है वो प्लासेंटा के साथ जुड़ी होती है। यानी प्लासेंटा बेसिकली क्या करेगा? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो इस तरह से प्लांट के अंदर भी प्लासेंटा होती है। नाउ ये जो प्लासेंटेशन है, प्लासेंटेशन अब किसको प्लासेंटेशन कहेंगे? तो प्लासेंटेशन की तारीफ और उसकी डिफरेंट टाइप्स है, ये ग्यारहवीं जमात के अंदर पढ़ाया जा चुका है, या फिर अगर आपने ग्यारहवीं के अंदर ये पढ़े होंगे फर्स्ट सेकंड चैप्टर के अंदर जहां पर पूरा फ्लावर स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है, तो वहां पर इसके डिफरेंट टाइप भी बताए वाले हैं। नाउ इसके बाद जो दूसरा है, हमने पहले कहा पिस्टल, अब हम बात कर रहे हैं मेगास्पोरोजीनम। मेगास्पोरोजीनम प्लासेंटा से निकलते हैं। ये जो मेगास्पोरोजीनम है, बेसिकली मेगास्पोरोजीनम क्या है? तो ये सेल है। जिस तरह से माइक्रोस्पोरोजीनम थे लास्ट टाइम, जिस तरह से हमने स्टमन के अंदर माइक्रोस्पोरोजीनम सेल पढ़े, इसी तरह से ओवरी के अंदर या पिस्टल के अंदर स्पेशल टाइप के सेल होते हैं पिस्टल के अंदर, जिनको कहा जाता है मेगास्पोरोजीनम। क्या कहा जाता है उनको? मेगास्पोरोजीनम। और ये मेगास्पोरोजीनम कहां से निकलेंगे? प्लासेंटा से निकलते हैं, जो आम तौर से बैजक या क्या कहलाते हैं? ओव्यूल्स। और उनको बाद में क्या कहा जाता है? ओव्यूल्स। जैसा हमने पढ़ा कि माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, और मियोटिक डिवीजन होने के बाद क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स। इसी तरह से यहां पर भी मेगास्पोरोजीनम है, और वो मेगास्पोरोजीनम आगे चल के क्या बनाएंगे? ओव्यूल्स। वो आगे चल के बनाएंगे एग्स। वो आगे चल के बनाएंगे बैसा। एक ओवरी में ओव्यूल्स की तादाद एक या उससे कसीर हो सकती है। अब एक किस में होंगी? तो एक हो सकती है गेहूं में, धान में और आम में। गेहूं में, धान में और आम में, यानी एक ओवरी में कितने ओव्यूल्स निकल सकते हैं? तो एक। किसके? गेहूं में, धान में और आम में। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल प्रोड्यूस होते हैं। वो कौन है? तो वो है पपीता, वो है तरबूज और वो है ऑक्टस। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जो मेगास्पोरोजीनम का प्रोसेस होता है, उस मेगास्पोरोजीनम के प्रोसेस में जब ओव्यूल्स बनते हैं या एग बनते हैं, या हम ये कहेंगे कि अंडा बनता है या बैजा बनता है, तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर एक ओव्यूल से सिर्फ एक ही बनेगा, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल्स बन सकते हैं, एक से ज्यादा बैजा बन सकता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसमें एक ओव्यूल बनेगा और किसमें एक से ज्यादा ओव्यूल्स बनेंगे। तो यहाँ पर बेसिक एग्जाम्पल याद रखना, गेहूं, धान, आम, ये ऐसे प्लांट है या ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर ओव्यूल मेगास्पोरोजीनम से एक ओव्यूल बनता है। और कुछ कसीर बनने वाले उनके एग्जाम्पल कौन है? पपीता, तरबूज, ऑक्स। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, ये जो ओवरी बनेगा मेगास्पोरोजीनम में, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा? मियोटिक डिवीजन होगा या माइटोटिक डिवीजन होगा?
जी माइटोसिस होगा? नहीं ना ईशा बाजी, माइटोसिस कैसा होगा? तब उसकी नहीं, देखो एक एक चीज जी हाँ मियोसिस होगा इसको। मैंने यहाँ पर क्यों पूछा, मैंने इसलिए पूछा यहाँ पर क्योंकि ये जो सेल है यानी जो मेगास्पोरोजिनम है और जो माइक्रोस्पोरोजिनम हमने पहला पढ़ा, ये दोनों भी प्लांट के वो सेल है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब ऐसे सेल जो जर्म सेल है, ऐसे सेल जिनसे सेक्स का या रिप्रोडक्शन का या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। और हमको ये बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए कि हमारे पास दो तरह के सेल है, सोमैटिक सेल यानी वो पूरे बॉडी बनाएंगे और जर्म सेल यानी जो सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काम करेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजिनम और मेगास्पोरोजिनम ये दोनों भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम करने वाले सेल है, यानी ये दोनों भी सेल सेक्स सेल है, इसलिए इनके अंदर कभी भी रिडक्शनल डिवीजन होगा। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया? मियोसिस, मियोटिक डिवीजन। तो एग्जाम में इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहां पर उसने मेंशन नहीं किया, यहां उसने मेंशन नहीं किया कि यहाँ ओवरी के अंदर कौन सा डिवीजन होता है और ओव्यूल बनेंगे कैसे बनेंगे, यहां उसने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, आपके बैक ऑफ द माइंड ये मालूम आपको होना चाहिए कि जब भी ओवरी के अंदर डिवीजन होता है सेल का, वो डिवीजन कौन सा होता है? मियोटिक डिवीजन। क्यों? क्योंकि ओवरी के जो सेल है वो सेक्स सेल है, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सेल है। ठीक है, यहां पर किसी को कोई डाउट है? और नहीं सर। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेगास्पोरोजिनम। मेगास्पोरोजिनम के अंदर किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है यहां पर वो मेंशन करेगा कि मेगास्पोरोजिनम जो होता है कहां होता है? ओव्यूल में। तो एक मिसाली एंजियोस्पर्म के ओव्यूल की साख कैसी होती है? तो एक मिसाली एंजियोस्पर्म आप किसको कहेंगे और एक मिसाली एंजियोस्पर्म के अंदर जो ओव्यूल होता है वो कैसा दिखाई देगा? ओव्यूल एक छोटी साख्त होती है जो प्लासेंटा से एक डंटल के जरिए जुड़ी होती है। ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, ये जो दिख रहा है आपको, तो यहां से मतलब ये ऊपर इस तरह से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अब वो यहां पर उन्होंने नहीं बताया, तो बेसिकली याद रखना है कि ये क्या है, ये ओव्यूल यानी इस तरह का स्ट्रक्चर है ये पूरा, इस तरह का। ठीक है, ये स्टाइल है और ऊपर क्या होगा? स्टिग्मा। ठीक है, तो ये और लंबा स्ट्रक्चर होना चाहिए था लेकिन ये स्पेस कम है इसलिए मैंने इस तरह से बताया। अब उसके अंदर ये स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं? मेगास्पोरोजिनम या ओव्यूल। तो अब क्या होता है कि ये जो ओव्यूल है ये छोटी सी साख है, बहुत छोटा सा हिस्सा है, और प्लासेंटा से एक डंटल के यानी यहां से एक जो स्पेस जाता है जो उसको जोड़ने का काम करता है वो क्या होता है? डंटल होता है, जिसे फोनिकल, क्या कहते हैं उसको? फ्यूनिकल। देखिए यहां पर है फ्यूनिकल, जिसको क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। तो ये जो इतना लंबा स्पेस है इसको क्या कहा जाता है? फ्यूनिकल। ओव्यूल का जिस जगह पर फ्यूनिकल से जुड़ता है यानी ये जो ओव्यूल और जो जुड़ता है उसको कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं इसको? हाइलम। ये जो स्पेस है इसको क्या कहेंगे? यानी ये आगे चल के यहां से यहां तक और ये यहां तक, तो ये पूरा जो स्पेस है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा जो स्पेस है ये क्या है? फोनिकल। और इस फोनिकल को जोड़ने का काम जो कर रहा है ये वाला स्पेस, इसको क्या कहा जाता है? हाइलम। क्या कहा जाता है इसको? हाइलम। ये हाइलम आपने कहां पढ़े? एक कोई बता सकता है कि इन केस ऑफ ह्यूमन हाइलम भी आप लोगों ने कहीं पर पढ़ा है? कोई बता सकता है? जिस तरह से प्लान में हम हाइलम पढ़ रहे हैं, यानी हाइलम वो हमेशा याद रखना, हाइलम जैसी वर्ड आया इसका मतलब दो चीजों को जोड़ने वाला कोई चीज है, इसको कहा जाता है हाइलम। हम जब ह्यूमन जब हम ह्यूमन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें हम किडनी पढ़ेंगे, किडनी। तो किडनी के अंदर क्या होता है? किडनी के अंदर ये होता है कि ब्लड लेके जाने वाली और ब्लड लेकर आने वाली जो ब्लड वेसल होती है, वो ब्लड वेसल किडनी के साथ जहां जुड़ी होती है उस स्पेस को भी क्या कहा जाता है? हाइलम। तो जिन लोगों को मालूम होगा, जिन्होंने ये एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा, उनको आइडिया आएगा इसका।
اخراجی نظام جنہوں نے پڑھا ان کو آئیڈیا آئے گا. تو یہاں صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ اوویول کا جو جسم ہے وہ فونیکل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, اور فونیکل کے ساتھ جہاں پر وہ جڑا ہوتا ہے اس پارٹ کو کہا جاتا ہے ہائلم. بس یہ جو ہائلم ہے, ہائلم اوویول اور فونیکل کے درمیان بیسیکلی کیا ہے, ایک جنکشن ہے جو اسے کیا کر رہا ہے, نمائندگی کر رہا ہے. پھر ہر اوویول میں ایک یا دو حفاظتی غلاف ہوتے ہیں. جو اوویول ہے اس اوویول کے اندر کیا ہوتے ہیں, ایک یا دو کیا ہوتے ہیں, حفاظتی غلاف ہوتے ہیں جن کو انٹیگومنٹس کیا کہا جاتا ہے, ان کو انٹیگومنٹس. یہ جو اسٹرکچر آپ کو دکھ رہا ہے نا, یہ جو اسٹرکچر ہے یہ والا اور یہ والا, یہ بیسیکلی کیا ہے, یہ انٹیگومنٹس. انٹیگومنٹس مطلب حفاظتی دیوار, انٹیگومنٹس مطلب حفاظتی دیوار. اب یہ جو انٹیگومنٹس ہے آپ دیکھیے کہ ایک ہے باہری انٹیگومنٹس یہ والا, اور دوسرا ہے اندرونی انٹیگومنٹس. تو یہاں بیسیکلی یاد رکھنا ہے کہ جو انٹیگومنٹس ہے, جو انٹیگومنٹس ہے, یہ انٹیگومنٹس بھی کتنے ہیں, دو ہے, ایک ہے باہری انٹیگومنٹس اور دوسری کون سی ہے, اندرونی انٹیگومنٹ. اوویول کو انٹیگومنٹس چاروں طرف سے گھیرے ہوتے ہیں. جو اوویول ہے, یہ جو اوویول ہے, اس اوویول کو کیا کیا ہوا ہے انہوں نے, چاروں طرف سے کیا کر کے رکھا ہوا ہے, گھیرا ہوا ہے. لیکن کہاں سے نہیں, سوائے اوپری حصے سے. کہاں سے, صرف اوپری حصے سے, جہاں پر ایک چھوٹا سا سوراخ بنا ہوتا ہے. یہ جو اوپر دکھ رہا ہے نا آپ کو, یہاں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جو مائکرو پائل, کیا کہلاتا ہے وہ, مائکرو پائل والے سرے کے مخالف سن میں چلازا ہوتا ہے. یہاں پر یہ جو ہے نا, یہ اسپیس ہے, یہاں پر ہے یہ مائکرو پائل اسپیس. یہ کون سا اسپیس ہے, مائکرو پائل. یہاں پر جو اسپیس ہے وہ ہے مائکرو پائل, اور اس مائکرو پائل کے اسپیس میں یہاں سے, تو یہاں پر اس کا, اب یہاں پر ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے, ایگزام میں اکثر کوشچن جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو سوراخ ہوتا ہے تو یہ سوراخ کس سائڈ میں ہوتا ہے, تو ایگزام میں ہمیشہ کوشچن کے اندر جو آپشن دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مخالف سمت میں چلازا ہوتا ہے. کی چلازا کی مخالف سمت میں کیا ہوتا ہے, مائکرو پائل. یعنی ایسا نہیں بولتا ہے وہ کہ مائکرو پائل اوپری حصے میں ہوتا ہے, وہ ہمیشہ کوشچن کس طرح سے کرتا ہے, تو ہمارا آنسر جو رہے گا وہ کیا رہے گا, چلازا پول. چلازل پول کے اپوزٹ ڈائریکشن میں کیا ہوتا ہے, مائکرو پائل. تو یہاں پر ایک چیز بہت امپورٹنٹ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو اوویول ہے, یہ جو پورا اوویول ہے, تو یہ ایک سرا ہے, یہ دوسرا سرا ہے. یہ جو سرا ہے اس مطلب ایک نیچے کا سرا ہے اور ایک اوپر کا سرا ہے. تو جو نیچے والا سرا ہے اس کو کہا جائے گا چلازل پول. کیا کہا جائے گا اس کو, چلازل پول. اور جو اوپر کا حصہ ہے, یہ اوپر والا حصہ, اس کو کیا کہا جائے گا, مائکرو پائلر پول. کیا بولا جائے گا اس کو, مائکرو پائلر پول. تو مائکرو پائلر پول کے اوپر ہوتا ہے مائکرو پائل. مائکرو پائلر پول کے اوپر ہوتا ہے مائکرو پائل, اور مائکرو پائل لر پول کے اپوزٹ میں ہوتا ہے چلازل پول. تھوڑا سا کنفیوز ہوں گا لیکن میرے ایک سینٹینس کو سنیے, کہ یہاں پر جو انٹوگمنٹس ہیں ان انٹوگمنٹس نے پورے اوویول کو کور کر کے رکھا ہوا ہے. صرف اس جگہ پہ, صرف اس والے اسپیس پہ انہوں نے اس کو کور کر کے نہیں رکھا, یہاں پر, یہاں پر کور نہیں کر کے رکھا ہے. تو یہ جو پول ہے, یہ پول کون ہے, مائکرو پولر پول. اور اسی مائکرو پولر پول کے اوپر کون ہے, مائکرو پائل. مائکرو پائل بیسیکلی یہ کیا ہے, یہ ایک ہول ہے. کیا ہے, یہ ہول ہے, یا ہم اس کو کیا کہیں گے, ایک سوراخ ہے. لیکن جب ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ سوراخ کی لوکیشن کہاں پر ہے, تو اس سوراخ کی لوکیشن کہاں پر ہے, چلازا کے مخالف سمت میں. کہاں پر ہے, چلازا کے مخالف سمت میں. تو یہ چلازل پول ہے, اور اس کے مخالف سمت میں کون ہے, مائکرو پائل. کون ہے, مائکرو پائل. ہو گیا. ناؤ دوسری چیز, کہ چلازل جو پول ہے یہ کیا کرتا ہے, یہ اساسی حصہ, اساسی مطلب بنیادی, یا اساسی کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے, بیسک, یعنی جو نیچے کا ہے. جیسا ہم بولتے ہیں نا کہ ہمارے گھر کا اساس, ہمارے گھر کا یہ اثاثہ ہے, مطلب یہ ہمارے گھر کی بنیاد ہے. ہمارے گھر کے نیچے کا جو بیسمنٹ ہوتا ہے, آج کل ہم انگلش زیادہ استعمال کرتے ہیں اس لیے ہم بھول جاتے ہیں, تو جو ہمارے گھر کا بیسمنٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے اساسی حصہ, یعنی جو ہمارے گھر کی کیا کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے. نا
एक और चीज जिसको याद रखना है बच्चों, वो ये है कि ये इंट्यूगमेंट जो होती है, इंट्यूगमेंट इनके अंदर मखसूस किस्म के सेल का मजमुआ होता है। ये जो इंट्यूगमेंट है ना, इनके अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसे न्यू सेलस, क्या कहा जाता है इनको, न्यू सेलस कहते हैं उनको, क्या कहा जाता है, न्यू सेलस। ये न्यू सेलस सेल का अरेंजमेंट कैसा होता है, हम इसको डिटेल में आगे देखेंगे। तो यहाँ जितने भी सेल है, ये जो इंट्यूगमेंट है, इन इंट्यूगमेंट के बाद ये जो पूरा स्पेस है इसमें कौन होता है, न्यू सेलस सेल। और न्यू सेलस सेल का काम क्या होता है, न्यू सेलस सेल का काम होता है कि वो बड़ी मिकदार में क्या प्रोवाइड करते हैं, गजाई अशिया, गजाई अशिया का जखीरा करना और ओव्यूल को प्रोवाइड करना, ओव्यूल को खाने को देना। ये किसका काम है, ये काम है न्यू सेलस सेल का, ये काम किसका है, न्यू सेलस सेल का। नाउ न्यू सेलस में, अब न्यू सेलस, ये न्यू सेल, अब न्यू सेलस के अंदर कौन है, तो न्यू सेलस में होता है एम्ब्रियो सैक। न्यू सेलस के अंदर कौन होता है, एम्ब्रियो सैक, या हम ये कहेंगे मादा गैमेटोफाइट, या हम इस एम्ब्रियो सैक को दूसरा वर्ड क्या दे सकते हैं, इसको दूसरा वर्ड हम दे सकते हैं मादा गैमेटोफाइट। जिस तरह से हमने वहां पर मेल गैमेटोफाइट बोले थे, सॉरी वहां पर हमने मेल गैमेटोफाइट यानी नर गैमेटोफाइट बोले थे, इसी तरह से फीमेल गैमेटोफाइट यानी मादा गैमेटोफाइट। मादा गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है, जिस तरह से हम इनकेस ऑफ मेल, जिस इनकेस ऑफ फीमेल हम इंसानों के अंदर क्या बोलते हैं, एग, और मेल के अंदर हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। तो इसी तरह से ये भी फ्लावर के अंदर है, तो फ्लावर के अंदर जो फीमेल रहेंगी, उस फीमेल की बॉडी से जो सेक्स सेल रिलीज होते हैं उनको कहा जाता है मादा गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। क्या कहा जाता है उनको, मादा गैमेटोफाइट या उनको क्या कहता है, एम्ब्रियो सैक। उमूमन एक ओव्यूल में वाहिद एम्ब्रियो सैक होता है। आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर यह होता है कि एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। और ये भी किससे बनता है, ये बनता है तख्फीफी तकसीम। मैंने पहले ही कहा था आपको कि कहां से बनता है, ये तख्फीफी तकसीम के जरिए मेगा स्पोर से बनता है। तो इसलिए मैंने पहले कहा था कि मेगा स्पोर में कौन सा डिवीजन होगा, तो मेगा स्पोर में जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है, मियोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन। और मियोटिक डिवीजन को उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में कहते हैं तख्फीफी तकसीम। क्या कहते हैं उसको, तख्फीफी तकसीम, ठीक है। और तख्फीफी तकसीम होने के बाद क्या बनता है, तख्फीफी तकसीम होने के बाद, यानी इस मेगा स्पोर का तख्फीफी तकसीम होगी तो आगे एम्ब्रियो ओव्यूल बनेगा, और ओव्यूल से आगे क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक। क्या बनेगा आगे उससे, एम्ब्रियो सैक। यहां पर किसी को कोई डाउट है, हेलो, नहीं है सर, हाँ अभी कोई पूछ रहा था शायद कुछ, क्या 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 प्रोसेस ऑफ मायटोसिस और माइटोसिस, माइटोसिस। आयशा बेटा चैट बॉक्स में सेंड करो, चैट बॉक्स में लिखो क्या पूछ रहे हैं आप, बच्चों हमारे पास लास्ट 2 मिनट है, 2 मिनट में लेक्चर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए अभी बता रहा हूं कि कल फिर आगे का नया पॉइंट हम पढ़ेंगे, और संडे को हमारा टेस्ट रहेगा ये जितना भी होगा उसके ऊपर। यस सर। और मैंने तो 11th के लिए नए चैप्टर का 19 से स्टार्ट करने का प्लान किया हुआ है, तो 19 से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो मैं 11th के स्टूडेंट्स का स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपके कांटेक्ट में जो भी बच्चे हैं जो 11th में पढ़ाई कर रहे हैं उनको बताइए कि मैं 11th का स्टार्ट करने वाला हूँ, वो जितने जल्दी रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो लड़कियों के लिए बैच अलग रहेंगे, लड़कों की बैच अलग रहेंगे, ठीक है। और आप में से भी अगर कुछ लोग उस लेक्चर में आना चाहते हैं तो वो भी फौरी रजिस्ट्रेशन करवाए।
मियोसिस और माइटोसिस में कंफ्यूजन है, कौन कब कहा होगा? ओके आयशा बेटा, ये जो कंफ्यूजन है इसको मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इतना समझ लो कि माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है ये हमारे बॉडी के अंदर सोमैटिक सेल में होता है। सोमैटिक सेल मतलब जो हमारे बॉडी के ऑर्गन बनाते हैं, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं। और मियोसिस का जो अमल होता है ये जर्म सेल में होता है, जर्म सेल, या हम उनको कहेंगे सेक्स सेल, यानी ऐसे सेल जिनको हम जानते हैं, यानी ह्यूमन लैंग्वेज में, ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, स्पर्म सेल, और हम कहते हैं एग सेल। इसी तरह से अगर प्लांट की अगर बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे उनको, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। तो जिन सेल का रिलेशन सेक्स से रिलेटेड होता है उनके अंदर होता है मियोसिस, और जिनका हमारे बॉडी से रिलेशन होता है, बॉडी पार्ट से रिलेशन होता है, उनके अंदर होता है मियोसिस। तो सॉरी, जो बॉडी से होता है उनके अंदर होता है माइटोसिस। तो सिंपल याद रखना कि वो सेल जो हमारे बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं सोमैटिक सेल। सोमा मतलब बॉडी, सोमा को क्या कहते हैं, बॉडी, तो उससे वर्ड बना हुआ है सोमैटिक सेल। और गैमेटिक सेल या जर्म सेल मतलब वो सेल जो हमारे गैमेट्स बनाते हैं, तो मेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स, ठीक है।